प्यारे बच्चों, मैं आनंद मोहन सर, एसएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल समतपुरा पहली से कक्षा 6 के छात्रों को हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हम लोग पाठ 7 विचार विवेक पढ़ने जा रहे हैं। विवेक मीन्स हुआ क्या? विचार का अर्थ तो आप लोग जानते ही हो। अब देखना यह है कि विचार विवेक में क्या सब लिखा हुआ है, उसमें से क्या सब चीज आप में है, क्या नहीं है, जो नहीं है उसे ग्रहण करना। तो चलो बच्चों, अब ध्यान दो। मनुष्य का अपने जीवन को उन्नत और श्रेष्ठ बनाना ही चरित्र है। चरित्र क्या है? अपने जीवन को उन्नत और श्रेष्ठ बनाना। समुद्र का खारा जल आकाश में उन्नत तो होकर अमृत तुल्य जीवन प्रद करता है, परंतु उस स्थिति को पहुंचने के लिए जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश और उष्णता की आवश्यकता है, वैसे ही मनुष्य के चरित्र निर्माण के लिए ज्ञान और पवित्रता आवश्यक है। इन दोनों की प्राप्ति स्वाध्याय से होती है। वेद में कहा गया है, हे अग्निदेव, हमें सरल सुपथ से ले जाओ। सुपथ भी अच्छा पथ, बुरे रास्ते से नहीं। केवल बाह्य समृद्धि नहीं चाहिए, सुपथ चाहिए। इसी पर चलकर अपने अंदर शक्तियां जागृत होती है, उनकी अभिव्यक्ति लौकिक व्यवहार में बन पड़ती है। इंजिल में कहा गया है, हे प्रभु, हमें सीधी राह चाहिए। गलत राह से हम अपने मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा भान होगा कि हम स्वर्ग में पहुंचे हैं, परंतु वास्तव में तो हम नर्क में पहुंच जाएंगे। संसार की हर वस्तु में अच्छाई और बुराई पाई जाती है। कुछ वस्तुएं हमें इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उनसे हमें सुख मिलता है। दूसरी कुछ वस्तुएं इसलिए बुरी लगती है क्योंकि वे हमारी इच्छाओं में बाधक हैं। परंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। वह हर वस्तु जिसमें हमें केवल अच्छाई अच्छाई दिखाई देती है, बुराई को भी छुपाए हुए है। हर बुरी दिखाई देने वाली वस्तु अच्छाई से भी पूर्ण है। सफलता सबको प्रिय लगती है और असफलता उदास कर देती है, परंतु वास्तव में सफलता से भी हानियां होती है और असफलता बहुत से कार्यों में हमारे लिए लाभकारी है। कैसे जीना है, कैसे बढ़ना है, ये दो प्रश्न समस्त मानव को प्रति हर दम उपस्थित रहते हैं। जैसा जीवन वैसा मरण, यह सामान्य नियम है। जिसका जीवन मधुर है उसका मरण भी मधुर ही रहता है, जिसका जीवन कठिन है उसका मरण भी कठिन ही बन जाता है। जो अपना जीवन सुधारता है उसका मरण भी स्वतः ही सुधर जाता है। जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य भी अच्छा ही रहता है। जिन्हें जिंदगी में अधिक समय रहना पड़ता है उनकी नाक किस प्रकृति की हो जाती है, उन्हें बदबू से परेशानी नहीं होती। किसी जमाने में कैदियों को अंधेरी कोठरियों में रखा जाता था। लंबी सजा काटने के बाद जब वे बाहर निकलते थे तो उनकी आंखें प्रकाश सहन नहीं कर पाती थी। वे उजाले को छोड़कर अंधेरे की ओर ही भागते थे। इस प्रकार जिनके गलत अभ्यास व गलत आदतें बन जाती है, उन्हें अनुकूलता भी प्रतिकूलता जैसी लगती है। श्रेष्ठ मानव जैसा आचरण करता है अन्य पुरुष भी उसी का अनुकरण करते हैं, यह मनोविज्ञान का नियम है। ऐसे मानवों द्वारा जो कुछ समाज ग्रहण करता है वह प्रमाण स्वरूप हो जाता है। यदि सुख की अभिलाषा हो तो विद्या का अभ्यास छोड़ना पड़ेगा, और विद्याभ्यास की इच्छा हो तो सुख की लालसा छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि जो सुख चाहते हैं उन्हें विद्या नहीं मिलती और विद्या चाहने वाले को सुख सुविधा नहीं मिलती। विद्याभ्यास के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। बार बार अभ्यास करके अपनी बुद्धि
बुद्धि और जानकारी का विकास करके इनका बल बढ़ाना होगा। अपनी अक्ल को पैदी करने के लिए इस पर बार बार धरनी होगी। इससे हमें यह लाभ होगा कि हमारा ज्ञान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, बल्कि निरंतर अभ्यास के प्रभाव से याद भी रहेगा। हमारी स्मरण शक्ति अच्छी रहे, तेज रहे और कभी कमजोर न हो, इसका एकमात्र उपाय है विद्या का सतत अभ्यास करना ही। एक बात आप समझ रहे हैं कि जैसे किसान खेत में केवल फसल को ही रहने देता है, शेष घास फूस और फालतू पौधों को निकाल देता है, वैसे ही आप भी अपने मस्तिष्क में विद्या की फसल तथा अन्य उपयोगी बातों को ही रहने दें, शेष पूरा कचरा अर्थात हानिकारक केवल बुरे विचारों को मस्तिष्क में टिकने न दें। जिस वस्तु में सही जानकारी हो उस विषय में चुप रहना ही अच्छा होता है। बुरा बोलने से न बोलना ही अच्छा होता है। विद्वान की विद्वता और मूर्ख की मूर्खता बोलने पर ही प्रकट होती है, जैसे कौए और कोयल का भेद बोलने पर ही प्रकट होता है। इसलिए विद्वान का बल वाणी और मूर्ख का बल मौन रहना होता है। या तो बुद्धिमान की तरह बोलो अन्यथा चुप रहो। जैसे विवेक एवं विचार के शून्य होने से पशु चुप रहते हैं। जगत का सारा व्यवहार सत्य पर आधारित है। झूठ बोलने वाले भी सत्य की महिमा स्वीकार करते हैं। सत्य भगवान का स्वरूप है। इस सत्य को स्वीकार करके सत्य भास परायण पुरुष जगत के मानवों के सामने एक महान आदर्श ही नहीं रखते, जीवन को सरल शुद्ध तथा शक्तिशाली बनाने में सहायता करते हैं। झूठ भ्रम वस्तुता भले ही दिखाई दे, अंत में विजय सत्य की ही होती है। सत्य और सत्यवादियों के द्वारा उपजाए हुए विश्वास पर ही जगत के व्यवहार टिके हैं। जब तक भारत में सत्यवाद की मानवों का अस्तित्व बना रहेगा, चाहे वे थोड़े ही हो, जब तक तब तक जगत की स्थिति बनी रहेगी। प्यारे बच्चों, आप लोग इस ज्ञान वर्धक कहानी को 2-3 बार पढ़ोगे और इसमें सभी चीजें को ग्रहण करने योग्य है उसे ग्रहण करने का प्रयास करोगे। इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नोत्तरों को मैंने तैयार